बॉन्ड्स रिलेटेड टू कार्बोनेट्स कंपाउंड थोड़ा सा वो पढ़ा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हम लोग ने देखा है, थोड़ा बहुत समझा था, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन इंक्लूडिंग डायमंड ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन एंड उसके प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, और हम लोग कुछ नेमिंग आईयूपीएससी नेमिंग आईयूपीएससी नेमिंग हम लोग पढ़ रहे थे, और आईयूपीएससी नेमिंग के अलावा कुछ हम लोग आइसोमर स्टार्ट किया था, जिसमें दो आइसोमर हम लोगों ने पढ़े थे, वन इज पोजीशन आइसोमर एंड अनदर इज चेन आइसोमर, यही था ना लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने किया था। हाँ सर, सर उसके बाद आपने ये भी पढ़ा था वो मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ, हाँ मतलब वो मतलब चेन एंड पोजीशन आइसोमर वाले ही क्वेश्चंस थे ना कि कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं, है ना, और उसके बेस पे एक दो हम लोगों ने क्वेश्चंस भी किए, ठीक है। आज एक और आइसोमर हम लोग पढ़ लेंगे, इट इज फंक्शनल आइसोमर, उसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग इंडिविजुअली कंपाउंड्स पढ़ लेते हैं। इंडिविजुअली कंपाउंड्स मींस हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़ लेंगे, हाइड्रोकार्बन में एल्कीन एल्कीन एल्काइन्स एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और उसके थोड़े थोड़े प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग प्रिपरेशन इंक्लूडिंग देयर केमिकल रिएक्शंस इंक्लूडिंग देयर टेस्ट्स। दो दो तीन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स और हैं जो बाद में भी यूज होते हैं, इंक्लूडिंग वन इज इथाइल अल्कोहल एंड अनदर इज एसिटिक एसिड, उसके थोड़े प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ लेंगे। देन एक दो पॉलीमर्स के बारे में भी यू शुड नो, है ना, एसपीएनटीएससी सिलेबस इज कंसर्न, पॉलिस्टर क्या है, नाइलॉन क्या है, बैकेलाइट का मीनिंग क्या है, थोड़ा थोड़ा वो भी आइडिया तुम लोग को होना चाहिए। और ये कभी था क्या तुम लोगों का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम कभी था जूनियर क्लासेस में? यस सर, 8th में था, 8th में था, ठीक है। तो देखते हैं कुछ हम लोग उससे रिलेटेड कर पाएंगे, कुछ उस रिएक्शंस कर लेंगे, मतलब कुल मिला के हम लोग समराइज करेंगे उस चैप्टर को, ठीक है। मतलब कहने के लिए चैप्टर इज नेवर एंडिंग, मतलब नेवर एंडिंग मींस क्लास 11th एंड 12th का केमिस्ट्री का 40% पार्ट यही है ना, 40% पार्ट है ना 11th 12th की केमिस्ट्री का, तो पढ़ने के लिए तो वो नेवर एंडिंग है ना, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। सो इन कंटिन्यूएशन ऑफ आइसोमर्स, टिल नाउ हम लोगों ने पोजीशन आइसोमर्स पढ़ा था और चेन आइसोमर पढ़ा था, उसी नोट्स में कंटिन्यू करना है बेटा। थर्ड वन यू कैन सिंपली से इट इज सर, हाँ बोलो बच्चे। सर लास्ट टाइम एक्सरसाइज में जो होमवर्क दिया था उसमें डाउट है। अच्छा ठीक है, वो मुझे क्लास की याद में दिलाना है, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सो फंक्शनल फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स का जो डेफिनेशन है वो कुछ इस टाइप का हो सकता था, कंपाउंड्स having same molecular formula, compounds having same molecular formula but having different functional groups. Compounds having same molecular formula but having different functional groups. Yes, for example, this can be between alcohol and another functional group may be ether. जैसा अगर मेरे पास molecular formula, अगर molecular formula suppose C2H6O है, so this compound may be either CH3, CH2 and OH, and this compound may be CH3O and CH3. Yes, do you think दोनों compounds का molecular formula exactly same है? It is C2H6O. ना दोनों compounds का जो molecular formula है वो exactly same है, CH3, CH2OH and CH3OCH3. So, ये वाला जो कंपाउंड है ऑब्वियसली इट इज नोन एज इथेनॉल, एंड ये वाला जो कंपाउंड है इट इज नोन एज लेट्स से
मिथॉक्सी मिथेन एज पर आईयूपीएसी नेम इज कंसर्न एक अल्कोहल है और एक ईथर है। मुझे एग्जांपल क्लियर है तुम लोगों को? यस सर। अच्छा अनादर मे बी लेट्स से यू कैन सिंपली से अल्डिहाइड एंड कीटोन एज ए फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जांपल इफ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C3H6O this compound may be either CH3 CH2 and CHO and this compound may be CH3 CO and CH3. So as per their naming is concerned, it is nothing but propanol and it is nothing but propanone. एक मेरे पास लेट्स से प्रोपेनाल्डिहाइड है और एक लेट्स से मेरे पास एसीटोन है। दे हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे आर कंफर्मली डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। मुझे समझ में आ रहा है फंक्शनल आइसोमर की डेफिनेशन क्या है? यस सर। गुड, वेरी गुड। यस सर। युवराज बेटा ये पहला ही पेज है जो हम लोगों ने आज लिखा है ना? युवराज नहीं, पहला ही पेज है ना? इस बच्चे इतना लिख लिया तुम लोगों ने ये? सर एक सेकंड। सर यस सर वो फर्स्ट एग्जांपल में मिथॉक्सी मीथेन का सर आप नेमिंग एक बार बताओ सर, नहीं समझा। यस बेटा ये CH3O मतलब OCH3 इज मिथॉक्सी एज ए सब्स्टिट्यूएंट है ना बेटा। कोई भी यू कैन से कोई भी जो ईथर है उसका जो आईयूपीएसी नेम है इट इज नथिंग बट एल्कोक्सी एल्केन होता है ना। कोई भी ईथर का जो आईयूपीएसी नेम है वो इस टाइप का होता है ना, एल्कोक्सी एल्केन है ना। हाँ सर। यस युवराज, थैंक यू वेरी मच। युवराज यार कल हुआ ये था कि मेरे पास ना बहुत सारे टीचर्स डे के मैसेज आए थे, तो पूरा कुछ 500 के आसपास मैसेज थे मेरे पास है ना। तो जिनके ग्रुप्स में आए थे मैंने उनको रिप्लाई जरूर किया, इंडिविजुअली शायद मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, बट थैंक यू युवराज। युवराज बुरा मान गया, मैंने शायद उसको रिप्लाई नहीं किया था है ना। युवराज तुम हो वहां? यस सर। हां ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। यस आदिनाथ, तुम डिस्कस कर रहे थे कुछ? नहीं सर, वो वही डाउट था मिथॉक्सी मीथेन वाला। हो गया, समझ गया ना, कि जैसे मतलब इन जनरल हम लोग जो लॉन्गर कार्बन चेन है उसको मेन चेन ले लेते हैं और बाकी को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट एज ए डील करते हैं ना। हां सर। जो एक आइसोमर तुम लोग को और पता होना चाहिए, लेट्स से इट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सो यू कैन से कंपाउंड्स
having same molecular formula, and you can say similar structure but different orientation of substituent. It have different orientation of substituent. For example, if we have, suppose this compound CH3CH double bond CH and CH3, but इस compound का naming क्या होता था? Can we say butene है? Yes, और मैं particularly इसको ऐसा बोल सकता हूँ क्या ये butuene है? Yes sir. देखो इसके दो orientation possible हैं. One is let's say both bulkier group CH3 present on the same side and both bulkier group present on the opposite side. देखो इसके ऐसे दो orientation possible हैं. Both bulkier group present on the same side and both bulkier group present on the opposite side. If both bulkier group present on the same side, यहाँ both bulkier group present on the opposite side. किसी बच्चे को नाम पता है क्या क्या बोलते हैं इसको ऐसा? यार बड़ा किसी बच्चे ने पढ़ा हुआ है कि नहीं ऐसा? ये आदित्य ने पढ़ा होता है usually, है ना? आदित्य तुमने पढ़ा है ये सब? अच्छा कोई बात नहीं. ये वाला जो कंपाउंड है इट इज नोन एज सिस और ये वाला जो कंपाउंड है इट इज नोन एज ट्रांस. ऐसा किसी बच्चे का नाम नहीं सुना सिस एल्कीन ट्रांस एल्कीन? नहीं. अच्छा कोई बात नहीं. जैसे पहला वाला जो कंपाउंड है उसका पूरा नाम हो जाता सिस ब्यूटूइन और इसका पूरा नाम हो जाता लेट्स से ट्रांस ब्यूटूइन. सो हियर इन जनरल यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई अगर दोनों बल्कियर ग्रुप सेम साइड पे होते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इट इज नोन एज सिस और दोनों बल्कियर ग्रुप अगर अपोजिट होते हैं सो इट इज नोन एज ट्रांस. तो ऐसा हम लोग उससे सिसल्कीन एंड ट्रांस सिसल्कीन डिफाइन कर सकते हैं. अच्छा ये सिर्फ ब्यूटीन के लिए नहीं है. व्हेनेवर वी हैव दिस टाइप ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन हम लोग सबके लिए सिस एंड ट्रांस डिफाइन कर पाएंगे. सर तो इनका नाम सिस ब्यूटीन और ट्रांस ब्यूटीन हो जाएगा. यस और उसका पूरा नाम अगर लिखना होता तो जो रेड में मैंने लिखा है सिस ब्यूटूइन एंड ट्रांस ब्यूटूइन ऐसा नाम हो जाता. बड़ा आईयूपीएसी नेम भी है ना. हाँ सर. बढ़िया. यस ये लिख लिया है मोर ऑफ लेस तुम लोगों ने? एक सेकंड सर. अब लिख लिया मुझे पता है ना. ओके
So you can see next is type of hydrocarbon. पहले मुझे ये बताओ यार, ये हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन क्या होती है बच्चे? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कंसिस्टिंग मेनली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड, सो यू कैन से कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स ओनली, है ना, हाइड्रोकार्बन। ये जो हाइड्रोकार्बन है उसको हम लोग ढेर सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते थे। यू कैन से एक है एल्केन, सिमिलरली यू कैन से एक है एल्कीन, सिमिलरली एक एल्काइन है, एंड अभी के लिए सिंपल सा कुछ ऐसा समझ सकते हो एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एज पर एल्केन्स आर कंसर्न, देयर जनरल फार्मूला इज CnH2n+2। फॉर एग्जाम्पल इट इज CH4, इट इज C2H6, C3H7 and so on. Sir, yes, बच्चे बोलो। ये वाला हम already कर चुके classification पहले। अच्छा, ये वाला कर चुके थे, कोई बात नहीं, थोड़ा और detail में लिख लेंगे ना सबको, है ना। Alkenes के लिए it is CN, it is H2N, for example it is let's say C2H4, it is nothing but let's say C3H6, it is C4H8 and so on. Alkynes के लिए it is CN, CN, it is H2N-2. For example, it is C2H2. It is nothing but let's say C3H4 and so on. Aromatic hydrocarbon means, यस देखो उस बच्चे को थोड़ा थोड़ा आइडिया है, ये समझ में आता इस सर्किल का मीनिंग क्या है? बेंजीन, मतलब इस सर्किल का मीनिंग क्या होता है? मतलब यू कैन से अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, अभी ये समझ सकते हो, है ना। अच्छा, और अगर यहाँ CH3 जुड़ा हो बेंजीन के ऊपर तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम होता है टोल्यूइन। Similarly, अगर ये कंपाउंड है so this compound is known as naphthalene, और ऐसा ही ये कंपाउंड का जो नाम है it is anthracene. Now one by one alkene, उसका प्रिपरेशन, उसके कुछ टिपिकल रिएक्शंस वो हम लोग देख सकते थे। एल्कीन्स उसके टिपिकल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस वो थोड़ा हम लोग समझ सकते हैं। एल्काइन्स के बारे में समझ सकते हैं। तो यस, ये C3H8 होना चाहिए भाई। यस, और बेटा बोलो। सर, आज ओपन रिंग और साइक्लिक कंपाउंड एक बार फिर से स्प्रिंग करेंगे, मुझे व्हाट्सएप पे समझ नहीं आया था। हम ये जैसे मैं अगर सिंपल से समझाने की कोशिश करूं कि ये ओपन कंपाउंड है और ये लेट्स से साइक्लिक कंपाउंड है ना, जैसे ये यस बोलो बेटा। बट सर, जब हम साइक्लिक कंपाउंड में ब्यूटेन का लेते हैं तो जनरली ब्यूटेन का फॉर्मूला कितना ये हो जाएगा C4H10 और ये हो जाएगा C4H8। तो सर जनरल फॉर्मूला से तो यहाँ पे फॉर्मूला ये हो रहा है ना, चेंज हो रहा है वो यहाँ पे तो, हो जा रहा है। मैं समझाता हूँ ना, तो जनरल फार्मूला जो हम लोग लिखते हैं ना
वो सिर्फ ओपन चेन का ही जनरल फार्मूला लिखते हैं, है ना। तो ये जो एल्केन का जनरल फार्मूला है, इट इज टेक्निकली ओनली फॉर ओपन चेन का जनरल फार्मूला, है ना। साइक्लो एल्केन्स का जनरल फार्मूला विल बी सेम एज एल्कीन, एंड साइक्लो एल्कीन का जनरल फार्मूला विल बी सेम एज एल्काइन, है ना। समझा? ओके सर। ये बच्चे थोड़ा बहुत समझा है तुम लोगों ने ये? यस सर। जैसे तुम लोग मुझे एक क्वेश्चन भी करके बता सकते हो यहाँ। आई होप यहाँ ये तो लिख लिया है तुम लोगों ने, इतना है ना। जैसा इस रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं बाद में। फाइंड आउट रेशियो ऑफ सिग्मा टू पाई बॉन्ड्स इन, क्या है कंपाउंड का नाम? एंथ्रेसीन। ठीक है, चलो इसमें मुझे कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है और उसका रेशियो तुम लोगों को बताना है। So do you think technically ये जो structure है, it is ऐसा ही ना, हर एक पर हाइड्रोजन एटम है। देखो मेरे पास एक आंसर आया भी है, यहाँ हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, एंड वी हैव ऑल्टरनेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, सो यू कैन से डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर होगा ओवरऑल इसका, है ना। सो इफ यू काउंट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेपरेटली, इस बड़ा सिग्मा कितने हैं? किसी बच्चे को 18 सिग्मा आ रहा है, किसी को 16 सिग्मा आ रहा है। सर 16। 16 है सिग्मा। हाँ। तो भाई 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अच्छा 16 तो बड़ा सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड ही है। हाँ सर। तो प्लस हाइड्रोजन भी तो काउंट करना पड़ेगा। सर 26। अच्छा चलो भाई, ये बच्चे बता रहे हैं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 26 है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स तो बड़ी आसानी से दिखता है ना, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है, सो इट इज 3, 4, 5, 6, 7। सो डू यू थिंक 7 पाई बॉन्ड है इसमें? यस सर। सो यहाँ मेरे पास जो सिग्मा इज टू पाई का रेशियो है, इट इज 26/7 इज टू, कितना आ जाएगा ये? 3. सर 3.7। 3.7। हाँ। तो कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं बेटा ना, अगर मुझे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स पाई बॉन्ड्स पता है तो। ठीक है सर, मैं भी अभी एक बार नोट डाउन कर रहा हूँ। हाँ लिखो बेटे, समझ में आ रहा है क्या है? हाँ सर।
यस बच्चे लिख लिया है सर, मैंने आपको मतलब एक डाउट भेजा था, मतलब अभी क्लास स्टार्ट होने से थोड़ा पहले। अब एक बार डाउट सारे इकट्ठे एक साथ डिस्कस कर लें। ओके सर, नो प्रॉब्लम। सारे डाउट बेटा एक साथ इकट्ठे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ओके सर, नो प्रॉब्लम। यस, ये लिख के हुआ तुम लोगों का? यस सर। नाउ नेक्स्ट इज यू कैन से इट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। ये पढ़ लेते हैं ना, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। मतलब एक दो रिएक्शन हम लोग इसके प्रिपरेशन के लिए लिख लेंगे, एक दो दो प्रॉपर्टीज के लिए और समथिंग लाइक दिस, है ना। सो जैसा फॉर एग्जांपल यू कैन से फर्स्ट पॉइंट, लेट्स से मीथेन। मीथेन गैस कैन बी प्रिपेयर्ड इन लैब या इन इंडस्ट्री, लिखते हैं ना, इन इंडस्ट्री ड्यू टू डी कार्बोक्सीलेशन। डी कार्बोक्सीलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ये जो रिएक्शन है ये सपोज कुछ इस टाइप का, क्या है बेटा इस कंपाउंड का नाम? सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट। व्हेन सोडियम एसिटेट इज हीटेड, व्हेन सोडियम एसिटेट इज हीटेड। अच्छा, ये डेल्टा का सिंबल समझ में आता है कि हीट का सिंबल है? यस सर। ये कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? NaOH एंड CaO, किसी बच्चे को पता है? NaOH प्लस CaO वाला जो कॉम्बिनेशन है उसका नाम क्या है? दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज सोडा लाइम। So when sodium acetate is heated with soda lime, यार अभी के लिए ना तुम लोग कुछ ऐसा समझ सकते हो box mechanism की, let's say ये सारा part एक साथ आ जाता है, let's say ना, जो भी मैंने red में लिखा है वो सब मिला के क्या बन गया, जो भी red में है वो सब मिला के क्या बनेगा? चलो जो बच गया वो है CH4, और जो रेड में है वो सब मिला के कितना है? Na2। Do you think ये Na2 CO3 है, सोडियम कार्बोनेट? Yes sir। So in industry, yes, in industry methane gas is prepared due to decarboxylation of sodium salt of acetic acid। इस रिएक्शन से इंडस्ट्री में हम लोग मिथेन गैस को प्रिपेयर्ड भी कर रहे होते हैं। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हो जाता है? डी मींस रिमूवल एंड कार्बोक्सिलेशन मींस कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल टेक्निकली, है ना? यस हाँ सर। अच्छा, नेक्स्ट में हम लोग लिख सकते हैं एक और पॉइंट रिलेटेड टू लेट्स से एल्केन्स। As number of
कार्बन एटम्स इंक्रीजेस इन एल्केन्स देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. क्या होता है बेटा, इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज होता है क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स तोड़ने पड़ते हैं. यस, सो देयर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस. अच्छा, ऐसा नहीं होता है कि ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़ते हैं ब्रो. बेटा हम लोग समझेंगे, मेल्ट करते समय या बॉइल करते समय हम लोग कोई बॉन्ड्स ब्रेक कर ही नहीं रहे कार्बन और कार्बन का, है ना. मतलब वेपर फेज में भी मिथेन CH4 ही रहता है, सॉलिड फेज में भी CH4 ही रहता है ना. तो हम लोग सब बॉन्ड ब्रेक नहीं कर रहे होते. विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग नोन एज वैन डर वाल फोर्स इन क्लास 11th, है ना ध्रुव? ओके सर. So as number of carbon atom increases in alkane, their melting and boiling point increases such that at room temperature, such that at room temperature. अच्छा, ये जो room temperature है, इस room temperature पे एल्केन्स विद C1 से लेके C4 मींस मिथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, दे आर फाउंड टू बी गैसेस एट रूम टेम्परेचर. सिमिलरली नियरली C5 से लेकर C17 एट रूम टेम्परेचर इट इज फाउंड टू बी लिक्विड. And let's say C18 onward, at room temperature, they are found to be solid. As number of carbon atoms increases in alkane, their melting and boiling point increases such that at room temperature, C1 से लेके C4 gas है, C5 से लेके C17 liquid है, and C18 onward, let's say solid है. मुझे क्लियर है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Sir, C1 से C4 ये सब alkanes है ना? Alkanes की properties हम लोग पढ़ रहे हैं ना? हाँ sir. मतलब जैसा मिथेन रूम टेम्परेचर पे गैस है, इथेन रूम टेम्परेचर पे गैस है, प्रोपेन रूम टेम्परेचर पे गैस है, ब्यूटेन मोर ऑफ लेस रूम टेम्परेचर पे गैस है ना? पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, वो सब लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे. अच्छा, डू थिंक ये जो पेट्रोल एंड डीजल्स है, ये सब क्या होते हैं? एल्केन, एल्कीन की एल्काइन्स, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल, सब क्या है? किसी बच्चे को आइडिया है? मेरा आवाज आ रहा है तुम लोगों को कि नहीं? शायद एल्कीन, शायद, पता नहीं बट. अच्छा, जितने भी ये सब है बेसिकली पेट्रोल, कैरोसिन ऑयल, डीजल, ये मिक्सचर ऑफ एल्केन ही होते हैं ना. दे आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ एल्केन्स. ये सबके सब मिक्सचर ऑफ एल्केन्स ही हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में ही, इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन ओनली. इसी सेकेंड पॉइंट में लिख सकते थे, एंड एज ये भी लिख सकते हो तुम लोग,
as branching in alkane increases their boiling point. Yes, बच्चे इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा ब्रांचिंग इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट, इस बच्चे को आइडिया है? सर डिक्रीज और सर इंक्रीज होगा ना? नहीं बेटा, ये हम लोग समझेंगे भी बाद में डिटेल में भी, अभी के लिए कुछ ऐसा याद भी रख सकते हो. ऑन इंक्रीजिंग ब्रांचिंग इन एल्केन देयर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस. मैं एक एग्जांपल भी लिखा दूंगा तुम लोगों को. एक एग्जांपल भी हम लोग समझ लेंगे इसके बेस पे, है ना? फॉर एग्जांपल इस कंपाउंड का नाम क्या है, जल्दी से मुझे बताओ. क्या है इस कंपाउंड का नाम? पेंटेन. पेंटेन. अच्छा, अब अगर मैं ये कंपाउंड ऐसा बना दूं तब क्या नाम हो जाता है इसका? 2-methyl butane, है ना? हाँ. Yes, sir. अच्छा, और अगर मैं कंपाउंड लेट्स से अब ऐसा बना दूं, इसका नाम क्या हो जाता? 2,2-dimethylpropane. यस सर. अच्छा सर, 2,2 कैसे आया? 2,2 कैसे आया? देखो, 1, 2 and 3, 3 कार्बन का मेन चेन होगा ना उसमें. हाँ सर. तो 2 and 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं, दोनों मिथाइल मिथाइल. हाँ सर. इफ यू सी देयर बॉइलिंग पॉइंट के वैल्यूज, दिस बॉइलिंग पॉइंट इज फाउंड टू बी 36 degrees Celsius, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज फाउंड टू बी 27.9 degrees Celsius. And surprisingly, this boiling point is 9.5 degree Celsius. You समझ में आ रहा है कि जैसे से branching हम लोग increase कर रहे हैं, boiling point decrease हो रहा है? अभी के लिए स्टेटमेंट याद हो सकते हो, इसका रीजन हम लोग पढ़ेंगे यार जब क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग, वैंडरवाल फोर्स वो सब भी पढ़ेंगे. ओके सर. तो सर एक एक चीज की जो टीबी टोटल बॉइलिंग पॉइंट है कि क्या है उसका, मतलब जो फुल फॉर्म? जब टीबी मींस बॉइलिंग पॉइंट. ओके सर. उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे ना धीरे धीरे, है ना? टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग, फ्रीजिंग पॉइंट लिखना होता तो टीएफ हम लोग लिखते हैं उसको. Yes, ये लिखा तुम लोगों ने ऐसा? सर. यस बोलो. सर मतलब मेल्टिंग पॉइंट मतलब सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट ही होता है? हाँ, मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी स्लाइट डिक्रीज हो रहा होता है. क्यों डिक्रीज है इसे लोग समझ लेंगे, अभी के लिए बॉइलिंग पॉइंट याद रखो बस. ठीक है सर. अच्छा, एल्केन वाटर से डेंसिटी ज्यादा होता है कि वाटर से डेंसिटी कम होता है इनका? सर कम होता है क्योंकि मतलब तभी तो कम होता है ना. ये सब तो देखा होगा यार, पेट्रोल एंड डीजल दे फ्लोट्स ओवर वाटर. यस सर. इसलिए नहीं सर, इसलिए मैंने बदला. हां सर, आंसर किया कि हां. सो यू कैन से देयर डेंसिटी is less than that of water. Fourth point is their combustion is
हाईली एक्सोथर्मिक, ना देयर कंबसन इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड यूजुअली दे यूज्ड एज फ्यूएल, है ना। अच्छा, इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो तुम लोग कि अगर CnH2n plus 2 है, कंबसन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, यस। सो यहां से NCO2 दे देता, ये N+1H2O देगा एंड प्लस सम हीट विल रिलीज है, यस। ऑक्सीजन को बैलेंस कर सकते हो कि नहीं? यस सर, एक सेकंड। ओके, प्रॉब्लम मतलब CO2 में NO2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी NO2 होंगे, और फिर जो दूसरा वाला होगा जिसे जो H2O में N+1, तो फिर उसको ऐड करो भाई, सब मिला के ऑक्सीजन एटम भागे शरीर का, तो 2 से डिवाइड भी होगा बेटा। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम राइट हैंड साइड में कितने हैं, यहाँ जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है, डू थिंक ये 2n प्लस एन प्लस 1 है ना? यस सर। कितना हो गया, 3n+1? यस सर। हाँ, सो डू थिंक यहाँ O2 का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो 3n+1 डिवाइडेड बाई 2 होना चाहिए क्या? यस सर, क्योंकि हमने O2 है ना इधर, यस, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड पे सिर्फ O लिया था। यस यस, है ना। अच्छा चलो, डिफरेंट हाइड्रोकार्बन में से कौन से हाइड्रोकार्बन का मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू होता है? एल्केन। नहीं, नहीं, कौन से एल्केन का सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होता है? CH4। वेरी गुड, है ना। सो यू कैन से CH4 कंसिस्ट मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू अमंग डिफरेंट हाइड्रोकार्बन। अब कुछ फ्यूल्स हम लोग समझ लेते हैं यार, कौन कौन से फ्यूल में कौन कौन सा टाइप का एल्केन है मेनली, है ना। फॉर एग्जाम्पल LPG क्या होता है? LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। CNG क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और एक और जो सब लोग के घर पे आता है, MGL वाला जो गैस होता है ना, पाइपलाइन है अब सब जगह, नहीं है सर? महानगर गैस लिमिटेड वाला जो गैस होता है ना, वो LPG नहीं होता है ना, पता है? चलो पहले मुझे बताओ, LPG में मेनली कौन सा एल्केन रहता है? प्रोपेन? नहीं आदित्य, 95% मतलब यू कैन सी मेनली इट कंसिस्ट ब्यूटेन, सो यू कैन से अप्रोक्सीमेटली, आइडिया में समझा देता हूँ, अप्रोक्सीमेटली तो ये 75% ब्यूटेन है एंड अप्रोक्सीमेटली 25% प्रोपेन है ना।
ये 75% ब्यूटेन है और ये 25% प्रोपेन होता है। सीएनजी मीथेन, यस सो इट इज यू कैन से मोर देन 90% मीथेन होता है ना। अच्छा वो जो मोर देन 90% मीथेन ही होता है ना। सो इट इज मोर देन 90% इट इज मीथेन। अच्छा ये भी मोर देन 90% इट इज प्रोपेन। तो ये जो महानगर गैस आता है वो नियरली प्रोपेन होता है ना। सर यस बोलो सर, इसका मतलब कि सबसे ज्यादा डेंजरस टू यूज गैस कंप्रेस नेचुरल गैस ही हुआ ना। कौन सा वाला बेटा? सर सबसे डेंजरस टू यूज जिसमें सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू तो सीएनजी हुआ ना। हाँ हाँ ऐसा बोल सकते हैं ना, इसलिए शायद हम लोग वो बोलते हैं ना कि भाई सीएनजी सीएनजी वाली जो कार होती है उसमें ज्यादा माइलेज हो जाता है ओवरऑल, है ना। नहीं सीएनजी सब सस्ता पड़ता है। यस सर। मुझे एल्केन के प्रॉपर्टीज लिख लिए हैं, उस समझ लिया है कि नहीं? यस सर। ओके नाउ नेक्स्ट वन यू कैन सी लेट्स से प्रॉपर्टीज, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ लेट्स से एल्कीन्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। सर एक डाउट था मेरे को। यस बोलो। क्योंकि आपने बोला था कि मतलब पेट्रोल और डीजल वो मिक्सचर ऑफ एल्केन्स होते हैं, तो फिर कौन से एल्केन्स का मिक्सचर होते हैं वो? यस द पेट्रोल एंड डीजल भी मिक्सचर ऑफ एल्केन्स ही है ना। तो नहीं नहीं वो तो मैं समझ गया, बट कौन से वाले एल्केन्स, मतलब कौन से वाले एल्केन बेटा? जो लिक्विड वाले एल्केन्स है, तो कोई पेट्रोल या डीजल का फिक्स मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, वो भी मिक्सचर है ना। Mixtures of different alkanes having molecular formula या having number of carbon, let's say C5 से लेके C17 के बीच में, है ना। तो पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा और कम होता है, तो यू कैन एज्यूम पेट्रोल C7, C8, C9, C10 के आसपास रहेंगे। डीजल में भी C11, C12, C13, C14 के आसपास होगा, ऐसा करके, है ना। जैसा आइसो ऑक्टेन पेट्रोल में होता है ना, ऑक्टेन, बट ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ऑक्टेन है ना, उसमें हेप्टेन ऑक्टेन सब मिक्सर है, ऐसा करके। तो मेनली आइसो ऑक्टेन होता है। क्या मतलब मेनली आइसो ऑक्टेन होता है, बट दूसरे भी रहते हैं। हाँ 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 ओके सर। नाउ ऐसा जैसे हम लोग ने एल्कीन्स के लिए देखा, ऐसा ही थोड़ा सा हम लोग एल्केन्स के लिए भी समझ लेंगे थोड़ा थोड़ा। सो यू कैन सी एज पर एल्कीन्स आर कंसर्न, ऑब्वियसली दे कंसिस्ट पाई बॉन्ड। सो यू कैन से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या है बच्चे? सिंगल बॉन्ड के अलावा भी जो होता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। यस, सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड दे आर, यू कैन सिंपली से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, they are unsaturated hydrocarbon and
thus give addition reactions and thus they can give addition reactions. वन बाई वन कुछ एडिशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स हम लोग समझ लेंगे. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल है ना, वन बाई वन कुछ एडिशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते थे. जैसे फर्स्ट रिएक्शन इज यू कैन सिंपली से हाइड्रोजिनेशन. ये नाम सुना है बेटा हाइड्रोजिनेशन? Hydrogenation means addition you can simply say addition of hydrogen. So for example, suppose if we have this alkene, when treated with hydrogen, in presence of nickel or palladium or platinum as catalyst, it can give alkane. बड़े पढ़ा है कुछ ऐसा? ये सब है भाई, टेंथ बोर्ड में भी होता है ये सब reactions. Yes sir, है ये वाला है. पर अलग वैसे ये नाम नहीं बताया कि ये hydrogenation है, but हाँ ये वाला reaction जरूर है. Hydrogenation reaction है ना? Hydrogenation means addition of hydrogen. जो unsaturated hydrocarbon को saturated hydrocarbon में convert कर देता है. जैसे fat क्या होता है? जैसे घी या oil क्या होता है basically? कौन से organic compounds है? Fatty acid means carboxylic acids हैं basically, है ना? So, जैसा एक और रिएक्शन इसमें होता है, इट इज लेट्स से यू कैन से इट इज वेजिटेबल ऑयल इज अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड. वनस्पति ऑयल है ना, अगर मैं इसमें हाइड्रोजनेशन कर दूं इन प्रेजेंस ऑफ निकल पैलेडियम और प्लेटिनम, ये बन जाता है वेजिटेबल घी. घी क्या होगा? GEE? यही होगा ना शायद स्पेलिंग घी का? नहीं. यस सर. सर मतलब ओके, मार्जरीन भी बोलते हैं जो बनता है. वेरी गुड. So you can say it is saturated carboxylic acid. So ऐसा वनस्पति ऑयल से हम लोग वनस्पति घी भी बना सकते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन से. यस बच्चे, क्लियर है ये? सर एक डाउट था कि मतलब ये होता कैसे है कि जैसे आपने लास्ट वाले में जो फर्स्ट लास्ट एल्केन का फर्स्ट वाला रिएक्शन था बॉक्स सबसे से किया था, तो इसमें कैसे होगा? मतलब इसमें हम लोग देख लेंगे, ये जो निकल पैलेडियम एंड प्लेटिनम है दे सर्व एज ए सरफेस कैटलिस्ट. हम लोग समझेंगे सरफेस कैटलिस्ट का मतलब क्या है, बट दे एक्ट एज ए सरफेस कैटलिस्ट जहां हाइड्रोजन गैस पहले एडसॉर्ब हो जाता है सरफेस पे. हाइड्रोजन गैस पहले एडसॉर्ब हो जाता है सरफेस पे और फिर वो आसानी से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे एडिशन रिएक्शन हो जाता है उसका, है ना? बट आएगा, काफी डिटेल में है ये सब 11th-12th में, है ना? अभी के लिए बस ये नाम याद रखो कि हाइड्रोजनेशन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जहां से अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को हम लोग सैचुरेटेड कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके सर. ठीक है. यस. Now another reaction जो तुम लोग को पता ही होना चाहिए, it is let's say addition of Br2, addition of bromine.
एडिशन ऑफ ब्रोमीन में लेट्स से इट इज CH2 एंड CH2 सपोज प्लस लेट्स से Br2 एंड CCl4 एज सॉल्वेंट फॉर रिएक्शन. अच्छा कलर क्या होता है इसका Br2 का ब्रोमीन का कलर क्या होता है? रेड ब्राउन होता है. वेरी गुड, रेडिश ब्राउन कलर होता है इसका, है ना. So it is reddish brown in color and after addition ये बन जाता CH2Br and CH2Br which is found to be colorless. So can we use this reaction to detect pi bond या unsaturated compounds? जो भी कंपाउंड रेडिश ब्राउन बीआर ब्रोमीन को कलरलेस में कन्वर्ट कर देगा मींस उसमें पाई बॉन्ड है, एडिशन रिएक्शन हो जाएगा उसमें. सो दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन. ये तुम लोग के स्कूल में चैप्टर अभी तक हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी बस चालू है. बट सर एक मेरे को इसमें डाउट था कि टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन वाला पॉइंट समझ नहीं आया, वापस समझाओगे प्लीज मेरे? कौन सा टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन वाला पॉइंट? यस सर. अच्छा देखो मैं कुछ ऐसा समझाने की कोशिश कर रहा था, देखो मैं फिर से समझाता हूँ. देखो जैसा सपोज मेरे पास ये कंपाउंड्स हैं, एक कंपाउंड है CH3 एंड CH3, एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और लेट्स से एक कंपाउंड है ऐसा सपोज एक एल्केन है, एक एल्कीन है, एक एल्काइन है. सो यू कैन से इट कांट डीकलराइज Br2, और ये दोनों यू कैन से ड्यू टू एडिशन रिएक्शन कैन डीकलराइज Br2. तो कैन बी यूज्ड दिस रिएक्शन टू डिटेक्ट एल्केन फ्रॉम अदर या टू डिटेक्ट अनसैचुरेटेड कंपाउंड फ्रॉम सैचुरेटेड वंस या टू डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स? यस सर अब समझ में आया. बट सर इसमें एक और चीज आती है कि सिर्फ जो सैचुरेटेड वाली डीकलराइज क्यों कर पाते हैं ब्रोमीन को, अनसैचुरेटेड वाले क्यों नहीं? बेटा क्योंकि सिर्फ अनसैचुरेटेड में ही पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, जहां एडिशन रिएक्शन फिजिबल है. एल्केन में ऑलरेडी बस सिग्मा बॉन्ड सी है, सिंगल बॉन्ड, उसमें एडिशन रिएक्शन नहीं होता है ना. तो एडिशन रिएक्शन होने के लिए वहां डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है. ओके सर समझ गया. सर मतलब सिर्फ अनसैचुरेटेड ही डीकलराइज कर सकता है ना? यस सिर्फ अनसैचुरेटेड ही डीकलराइज कर सकते हैं, इसीलिए तो मैं बोल रहा था कि इसको टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन हम लोग लिख सकते हैं. हाँ सर ऐसा ही एक और टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन तुम लोगों को आना चाहिए. ये तो एडिशन ऑफ ब्रोमीन था. नेक्स्ट रिएक्शन इज यू कैन से एडिशन ऑफ, ये नाम सुना है तुम लोगों ने कि नहीं, बेयर्स रिएजेंट. एडिशन ऑफ बेयर्स, बेयर्स रिएजेंट क्या है ये रिएक्शन? दिस मे बी सपोज एनी ऑफ द टिपिकल एल्कीन व्हेन ट्रीटेड विद पोटेशियम परमैंगनेट इन एल्कलाइन मीडियम. सो इट इज कॉल्ड एल्कलाइन KMnO4. इस कॉल्ड एल्कलाइन KMnO4 इज नोन एज बेयर्स रिएजेंट.
क्या कलर क्या होता है बेटा KMnO4 सॉल्यूशन का? पर्पल होता है, पर्पल होता है ना। सो ये जो कलर है KMnO4 का, इट इज पर्पल इन कलर। सो ये पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन होगा, है ना। नाउ ड्यू टू एडिशन एंड ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूं H+, H2O, ऐसा समझ लेंगे कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस है। इसका मतलब एसिडिक वाटर से रिएक्शन है ना। इट्स प्रोडक्ट इज फाउंड टू बी CH2, CH2OH and OH, which is colorless, plus ये बन जाता है MnO2 का black precipitate बन जाता है। So can we say this reaction can also used as a test of unsaturation? अगर किसी में भी कुछ विजुअल चेंजेस हैं, जैसे इसमें कलर चेंजेस है ना, तो किसी भी रिएक्शन में कोई विजुअल चेंजेस है तो उसको हम लोग एज ए टेस्ट यूज कर सकते हैं। सो इट इज आल्सो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, है ना। यस, गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir, मतलब पर्पल से कलरलेस और ब्लैक चेंज रहा है इसलिए। यस, मतलब जैसे ये रिएक्शन देखो कुछ इस टाइप का इमेजिन कर सकते हो कि सपोज इन ए गिवन टेस्ट ट्यूब इनिशियली इट इज लेट्स से सपोज पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन, है ना। इनिशियली सपोज इट इज नथिंग बट Bayer's reagent है, suppose वो starting में, है ना। In starting it is Bayer's reagent, और इस Bayer's reagent में अगर मैंने यहाँ alkene को add कर दिया, इस Bayer's reagent में अगर मैंने यहाँ alkene को add कर दिया, so ये कुछ इस type का बन जाता, यहाँ clear solution with ब्लैक प्रेसिपिटेट, ब्लैक प्रेसिपिटेट एंड इट इज क्लियर सॉल्यूशन, क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन। यस बच्चे, क्लियर है जो लिखा है? यस सर। सर बट एक और इसमें क्वेश्चन था कि जैसे एल्कीन का कलर क्या, मतलब ऐसे एल्कीन 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 एंड एल्केन बेटा सब कलरलेस है ना। ओके सर। एल्कीन एल्केन एल्काइन्स प्रैक्टिकली सब के सब कलरलेस हैं, जैसा पेट्रोल एंड डीजल भी टेक्निकली कलरलेस होते हैं, बट ड्यू टू इम्प्योरिटीज दे एक्वायर्ड स्लाइट येलो कलर, है ना। पेट्रोल देखा है? यस सर, कुछ अजीब सा होता है। हाँ, मतलब स्लाइट येलोइश होता, स्लाइट येलोइश ड्यू टू इम्प्योरिटीज, अदरवाइज वो ट्रांसपेरेंट ही होना चाहिए था, है ना। ओके सर। सर मतलब सारी होते कि इसमें कोई एक्सेप्शन भी है कि मतलब कोई? मोर ऑफ लेस सारे हाइड्रोकार्बन बेटा, मोर ऑफ लेस सारे हाइड्रोकार्बन दे आर फाउंड टू बी कलरलेस। जैसे जब एलपीजी गैस रिलीज हो जाता है रूम में तो कलर्ड गैस नहीं दिखाई देता ना। नहीं सर, पता ही नहीं चलता कि वो गैस रिलीज हुआ है अनलेस अंटिल हम लोग स्मेल करें उसको, है ना। उसमें इथाइल मरकाप्टन होता है ना, जो मतलब C2H5SH होता है जो मिलाते हैं, स्मेल आए। क्या? उसमें इथाइल मरकाप्टन मिलाते हैं ना स्मेल के लिए। हाँ, मतलब जिससे पता स्मेल आई अगर लीक हो रहा है तो, है ना। बट वो क्लियर सॉल्यूशन हो, भाई क्लियर है, मतलब कलरलेस है वो। बच्चे इतना लिखा है कि नहीं तुम लोगों ने? लिखा है कि नहीं? यस सर। ओके,
थोड़ा एल्केन के एक दो प्रिपरेशन मेथड भी हम लोग देख लेते हैं आसान आसान से, जो बाद में बहुत बड़े डिटेल में थोड़ा सा लिखता हूँ। हाँ लिखो जल्दी से इसको। इसमें कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे है ना, क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे थियरी बेस्ड, तो इसमें ठीक ठाक याद करना है तुम लोगों को। सर एक डाउट है। यस बोलो बेटा। सर आपने ऊपर वो KMnO4 के बाद में वो मतलब डैश डाल के OH- मींस हम लोग समझेंगे KMnO4 एज ए एल्कोहल एसिडिक मीडियम में भी होता है और KMnO4 एज ए एल्कोहल बेटा बेसिक मीडियम में भी होता है। हाँ सर समझ गए। यस बच्चे लिखा ये तो बेयर्स रिएजेंट का मतलब होता है कोल्ड एल्कलाइन KMnO4, उसको डीकलराइज कर देता है एल्कीन। यस बेटा लिखा है। हैव यू नोट डाउन दिस? हाँ सर। नाउ नेक्स्ट में लेट्स से नेक्स्ट रिएक्शन या यू कैन से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज इथाइल अल्कोहल है ना, ये तो सही में इंपॉर्टेंट है ना, आजकल तो पक्का पक्का इंपॉर्टेंट है। कहाँ यूज होता है आजकल? आजकल क्या यूज है इसका? सैनिटाइजेशन में। सो यू कैन से इट इज लेट्स से इथाइल, ये कलर मेरा बार बार चेंज कैसे हो रहा है। इथाइल अल्कोहल ऑब्वियसली ये जो कंपाउंड है वो C2H5OH है। IUPAC से नेम क्या है इस कंपाउंड का? IUPAC से नेम क्या है इस कंपाउंड का? इथेनॉल है ना। यस सर। ANOL इथेनॉल है ना। यस सो मतलब कुछ कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं इसके। फर्स्ट वन इज On its dehydration, it give alkene. On its dehydration, it give alkene. Dehydration means, suppose मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं, इस कंपाउंड को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? इथाइल अल्कोहल को
अच्छा, व्हेन इथाइल अल्कोहल इज हीटेड, व्हेन इथाइल अल्कोहल इज हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट. हीट डिहाइड्रेटिंग एजेंट मीन्स यू कैन सिंपली इमेजिन इसका वाटर यहां से निकल जाता, तो इसका ये जो प्रोडक्ट बच जाता इट इज CH2 एंड CH2 प्लस लेट्स से इट इज H2. डू यू थिंक ऐसा एल्कीन बन जाता उसके डिहाइड्रेशन से? हाइड्रेशन का मतलब होता है भाई एडिशन ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन का मतलब होगा रिमूवल ऑफ वाटर. अच्छा नेक्स्ट इज यूजुअली इथाइल एल्कोहल इज यूज्ड एज सॉल्वेंट in many, you can say, organic reactions in lab or industry. And also used in you know, it is drinks, है ना? ऐसा होता है? Yes, sir. मतलब वो हम लोग के नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है ना? Yes, sir. क्या था? क्या? अच्छा ये कुछ ऐसा पता है कि ये जो ट्रैफिक पुलिस के पास जिसने अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम किया होता है वो पकड़ में आ जाता है, टेस्ट हो जाता है उसका, है ना? यस सर, कुछ होता है जिसमें एयर ब्लो करनी होती है उससे पता चलता है. हाँ, तो क्या क्या केमिकल फंडा होता है उसमें, क्या केमिकल लोचा होता है, कैसे पता चलता है वो? किसी बच्चे को आइडिया है कि नहीं? पता नहीं सर, बट ये सब सर्च किया करो भाई, साइंस पढ़ने वाले बच्चे हो तुम लोग, है ना? उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ना, ऑरेंज कलर का पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है जो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर जाता है, खुद ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है. तो कितना परसेंटेज ऑरेंज से ग्रीन बन गया है उससे पता चल रहा होता है कितना अल्कोहल का कंजम्पशन है ना. एनीवे, इट इज लेट्स से यूजुअली इथाइल अल्कोहल इज यूज्ड एज सॉल्वेंट इन मैनी ऑर्गेनिक रिएक्शंस in lab or industry. It is also used as drinks, used in drinks. तो यार lab में होता क्या था, जो ethyl alcohol रखा होता था या industry में जो ethyl alcohol रखा होता था, लोग उसमें dilute करके पी जाते थे उसको, है ना? तो मतलब उसने फिर मतलब जो industrialist थे उन्होंने इसको मतलब थोड़ा बहुत poison भी मिलाना शुरू कर दिया था. हाँ, तो पॉइजन बनाया. कैसे पॉइजन बनाया? कैसे बनाया पता नहीं. अच्छा, नाउ टू अवॉइड, है ना? सो यू कैन से टू अवॉइड इट्स मिसयूज. शायद मिथेनॉल मिला था उसमें. यस, टू अवॉइड इट्स मिसयूज यू कैन से मिथाइल अल्कोहल इज मिक्स्ड विद इथेनॉल. मिथाइल अल्कोहल भाई पॉइजन होता है ना, उसको कंज्यूम करने से आंखों की रोशनी जा सकती है. सो टू अवॉइड मिसयूज मिथाइल अल्कोहल इज मिक्स्ड विद इथेनॉल एंड it is known as
मिथाइलेटेड स्प्रिट, इट इज नोन एज मिथाइलेटेड स्प्रिट। स्प्रिट किसको बोलते हैं हम लोग? इथाइल अल्कोहल है ना। जैसा ये भी होता है कि 95% बेटा, अगर मैं डब्ल्यू बाई डब्ल्यू लिख रहा हूं उसका मीनिंग क्या है? 95% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू वाटर, वाटर नहीं बेटा, वेट बाई वेट है ना। 95% वेट बाई वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल इज 95% किसी बच्चे को पता है क्या नाम होता है इसका? 95% वेट बाई वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज रेक्टिफाइड स्प्रिट। तो जो मतलब यही होता है जो परसेंटेज, मतलब जो हार्ड ड्रिंक्स में होता है कि नहीं, सॉरी, मतलब जो दूसरे इथाइल अल्कोहल के यूजेस होते हैं। यस, मतलब ये हाईली कंसंट्रेटेड स्प्रिट है ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ओके सर, एब्सोल्यूट स्प्रिट भी यस हो सकता है, नियरली 100% इथाइल अल्कोहल भी बना सकते हैं हम लोग, है ना। अच्छा, ये जो मिथाइलेटेड स्प्रिट है इट इज आल्सो नोन एज डीनेचर्ड अल्कोहल, है ना। मिथाइलेटेड स्प्रिट का और भी नाम होता है, इट इज denatured alcohol, मतलब अब भाई वो अल्कोहल का नेचर वो नहीं बचा है ना। नहीं, हाँ सर, यस, इतना लिख लिया है तुम लोगों ने अल्कोहल के बारे में? दो मिनट प्लीज। सर एक चीज थी कि मतलब जो वो हीट भी देते हैं ना, जो फर्स्ट वाले में जो डिहाइड्रेशन, हाँ बेटा, डिहाइड्रेशन में हीट भी करना पड़ता है, तो यू हैव टू हीट इथाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। लिख लिया है? एक और कंपाउंड हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, इट इज एसिटिक एसिड। ये तो काफी कॉमनली नाम तुम लोगों ने सुना हुआ है, एसिटिक एसिड, एंड सिंपली यू कैन से इट इज CH3COH।
इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या है बच्चे? इथेनोइक एसिड है ना, सो इट इज इथेनोइक एसिड. अच्छा, यू कैन सिंपली से इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कॉमनली नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, विनेगर. इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कॉमनली नोन एज विनेगर. और इसके बहुत सारे यूजेस हैं, जैसा वन ऑफ द यूज इज व्हेन इट इज ट्रीटेड, व्हेन इट इज ट्रीटेड विद अल्कोहल इन लेट्स से एसिडिक मीडियम, it give, you can simply say fruity smell. When it is treated with alcohol in acidic medium, it give fruity smell due to formation of ester. Its aqueous solution is commonly known as vinegar, and when it is treated with alcohol in acidic medium, it gives fruity smell due to formation of ester. Yes, clear hai? Padhaya kabhi aisa ki nahi? Yes sir, padha hai ki matlab jo P17 leke fir uska kuch hota hai, bahut bada reaction hota hai. Acha nahi nahi, bahut bada reaction nahi hai, sirf aisa samjho ki bhai सपोज ये मेरे पास एसिटिक एसिड है, सपोज ये मेरे पास एक अल्कोहल है. अल्कोहल को लेट्स से हम लोग कुछ ऐसा लिख लेते हैं. हाँ, ऐसा लिख सकता था मैं इस अल्कोहल को, लेट्स से C2H5 को. यस सर. नाउ इन प्रेजेंस ऑफ लेट्स से डाइल्यूट H2SO4, here you can just imagine there is a removal of H2O molecule. Aisa hum likh leta hu, due to removal of H2O molecule, ye jo compound hai ye ban jata CH3COOC2H5, and commonly this functional group is known as ester. It having sweet smell, yeah, you can simply say it having, let's say, fruity smell. तो ये परफ्यूम्स में या फ्लेवर्स में यूज होता होगा, नहीं? एस्टर्स? यस सर, जैसे मतलब जो परफ्यूम्स बनाते हैं, आपके कोई और डीओ होते हैं, उन सब में एस्टर ही होता है. So used in perfumes and let's say flavor ke liye, hai na? So flavoring agent. Acha. एस्टर, जैसे ये तो मैंने H2SO4 के प्रेजेंस में तो ये एस्टर बन गया. डू यू थिंक अगर एस्टर का मैं NaOH से रिएक्शन करा दूं तो ये वापस एसिड भी दे सकता है?
जैसा फॉर एग्जाम्पल अनादर एस्टर, द टिपिकल एस्टर इज C17H35COOC2H5. Yes sir. Do you think it typically ester होने वाला है कोई? Yes sir. इसका जो आप Yes. When ester, when given ester treated with, let's say dilute NaOH. When given ester is treated with dilute NaOH, it give C17H35COO-Na+ water. क्या है ये कंपाउंड का नाम क्या होता है टिपिकली? दिस कंपाउंड इज नथिंग बट सोप एंड दस दिस रिएक्शन is also known as saponification. Na, soap ka formation. यस बच्चे क्लियर है? यस सर. सो यू कैन से लेट्स से मॉलिक्यूल ऑफ सोप कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कैन वी से ये सब मिला के ऐसा हाइड्रोफोबिक, मतलब ये ऐसा कार्बन चेन होने वाला है एंड इट इज COO-Na+ लिखना पड़ेगा ना इसको. सब मिला के कितने कार्बन है ऐसा? 17 कार्बन. सब मिला के यहां 17 कार्बन एटम्स हैं. यस सर. मतलब ये मैंने बीच में डॉट 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 कर दिया है ना, तो सब मिला के 17 कॉर्नर्स होने चाहिए उसमें, है ना? Yes, sir. ये जो एल्केन्स है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं कि इनसॉल्युबल होता है? इनसॉल्युबल होता है. पेट्रोल एंड डीजल तो क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोफिलिक बोलते हैं कि हाइड्रोफोबिक बोलते हैं इन सबको? हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफिलिक. हाइड्रोफिलिक मींस जिसका वाटर के साथ एफिनिटी है, और जिसका वाटर के साथ एफिनिटी नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिक. ये कभी पढ़ा है सर? लाइक डिसॉल्व लाइक और समथिंग लाइक दिस. यस सर, बट एल्कीन्स या एल्केन्स तो हाइड्रोफोबिक ही होते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हाइड्रोफोबिक होते हैं उनसे वाटर में जुड़ने की टेंडेंसी नहीं होती उनकी, है ना? ऑयल एंड वाटर मिसिबल होते हैं कि इमिसिबल होते हैं? इमिसिबल होते हैं. इमिसिबल होते हैं, वो आपस में मिक्स होने की टेंडेंसी नहीं होती उन लोगों की, है ना? अच्छा, अगर ये वाटर में सॉल्युबल होता है कि इनसॉल्युबल होता है? ये सॉल्युबल होते हैं. ये सॉल्युबल होता है. तो कैन वी से यहाँ दो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इट इज हाइड्रोफिलिक जिसमें वाटर में जाने की टेंडेंसी है, और ये जो रिमेनिंग पार्ट है सोप का इसको मैं क्या बोल सकता हूं? हाइड्रोफोबिक. यस. अच्छा, हाइड्रो का मतलब है, मैं अगर इसको हाइड्रो मीन्स लेट्स से वाटर and let's say philic means it is loving.
सो ये वाटर लविंग है. हाइड्रोफोबिक अगेन हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लेट्स से फोबिक phobic means let's say hate hai na matlab literal meaning are aisa sab kuch padha hai ki nahi padha hai kabhi aisa hydrophilic means kya hota hai hydrophobic means kya hota hai padha hai sir ye sab kaun se standard mein hota hai hydrophilic hydrophobic sir pichle saal tha bio mein 9th class 9th class bio mein tha aisa yes sir okay ये नाम सुना है कि नहीं सुना है तुम लोगों ने क्लोरो फ्लोरो कार्बन. यस सर सुना है कार्बन हाइड्रोकार्बन. यस सर सीएफसी सीएफसी वेरी गुड. क्या क्या यूज होता था इन लोग कंपाउंड्स का? एसी और फ्रिजेस में होता है. रेफ्रिजरेटर या फिर फ्रिज में यूज होता था इन कंपाउंड्स का है ना. और आजकल क्यों नहीं यूज होते हैं यूजुअली ये कंपाउंड्स? ओजोन को हार्म करते हैं. ओजोन लेयर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर करते थे ऐसा करके है ना, जिससे फिर ओजोन लेयर हम लोग को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता था. नहीं चलो ये भी लिखी लेते हैं हम लोग. नेक्स्ट कंपाउंड्स इज लेट्स से क्लोरोफ्लोरोकार्बन. उन सब का आईयूपीएसी यस बोलो बेटा. कैन यू प्लीज टू द प्रीवियस पीछे वाला पेज देखना है तुम्हें. यस क्या है बेटा? सर आई वांट टू सी द प्रीवियस पेज. थोड़ा तेज बोलो बेटा मुझे आवाज नहीं आ रहा है अच्छे से. यस क्या बोल रहा है? सर मैं ये कह रहा था कि मेरे को प्रीवियस पेज में जाना था. चलो मैं प्रीवियस पेज में जाना था. अभी अभी देखो प्रीवियस पेज आया ये वाला. लिख लिया कि नहीं? सर इससे एक चीज रिलेटेड याद आई कि सोप में 60 मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए ये वही होता है ना कि मतलब हाइड्रोफोबिक एंड से मतलब जो डॉट पार्टिकल चिपकते हैं. यस हाइड्रोफोबिक में ऑयल चिपक जाता है और हाइड्रोफिलिक वाटर में चला जाता है, इसकी वजह से तो ऑयल निकल पाता है ग्रीस है ना. यस सर. ये मतलब हाइड्रोफिलिक होता है वो जैसे सर्कल से रिप्रेजेंट करता है और हाइड्रोफोबिक एक लाइन से रिप्रेजेंट करता है और सोप में ऐसे रेंज होता है बहुत सारे और सर्कल नालर में वही है. यस यस भाई मिसेलीज फॉर्मेशन हो जाता है ऐसा करके. अंशुल अभी लिख लिया तुमने? बस दो लाइन और. यस लिख लिया बेटा. ओके सो नेक्स्ट थिंग इज यू कैन सिंपली से इट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स सीएफसी. CFC है ना. So you can say they are halogen derivative of methane. They are halogen
डेरिवेटिव ऑफ मिथेन. देयर हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ मिथेन इन विच ऑल द हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड बाय हैलोजन्स. In which all the hydrogen atoms are replaced by chlorine and fluorine. They are halogen derivative of methane in which all the hydrogen atoms are replaced by chlorine and fluorine. Now, as per their IUPAC names are concerned, their IUPAC name can also represented as, they also known as freons, freons XYZ. They also known as freons XYZ. But XYZ kya hai yahan pe? मैं समझाता हूं. वेयर ये जो एक्स है इट इज लेट्स से नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन फ्रियोन्स मॉलिक्यूल. थोड़ा एक मिनट रुकना है ना, मैं थोड़ा समझाता हूं क्या है एक्स वाई जेड थोड़ा और डिटेल में. फ्रियोन्स इज एक मिनट है ना, मैं समझाता हूं क्या है. ये तो कुछ लफड़े वाला है. अच्छा, मतलब ऐसा समझ सकते हैं, एक्स इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स माइनस वन है. एक्स इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स माइनस वन है. वाई इज, मतलब बड़ा टिपिकल सा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस वन है. एंड जेड इज नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम. एक्स इज नंबर ऑफ कार्बन एटम माइनस वन, वाई इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस वन, and z is number of fluorine atoms. For example, suppose agar mere paas compound CF and Cl3 hai, to ek table sa hum log ye dekho yahan draw kar sakte the, value of x, value of y, value of z. इसमें x का वैल्यू एंड y का वैल्यू एंड z का वैल्यू कितना होगा बेटा? इसमें x का वैल्यू जीरो, y का वैल्यू वन, z का वैल्यू वन वन. सो ये जो कंपाउंड्स है इट इज नोन एज फ्रियोन वन वन. जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, है ना? जैसा
सपोज अगर मैं एक दूसरा कंपाउंड ले लेता हूं, इट इज सी टू, इट इज एफ थ्री एंड लेट्स से सी एल थ्री. यहां एक्स का वैल्यू कितना है? वन. वाई का वैल्यू कितना है? वन. जेड का वैल्यू कितना है? थ्री. सो इट इज नोन एज फ्रियोन 113, है ना? सर इसमें हाइड्रोजन का कैसे निकाला? बेटा हाइड्रोजन जीरो है यहाँ. हाँ सर. जीरो प्लस वन. हाँ समझ गया. सर एक क्वेश्चन था. यस बोलो बेटा. सर तो लाइक हर फ्रियोन में वाई की वैल्यू वन ही रहेगी? हर फ्रियोन में वाई का वैल्यू वन ही रहेगा. यस. तो बट ऐसा क्यों? क्यों कई में मतलब जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में जैसे CH2 हो सकता है, फिर ऐसे कुछ उनका क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का टेक्निकली मीनिंग वही है कि उसके सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए हैं टेक्निकली, है ना? फ्रियोन हम लोग उसी को बोल रहे हैं ना. सारे हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस हो गया है ना. अच्छा मतलब एक भी हाइड्रोजन ही रहा. हाँ. ओके. तो सर फिर उनको क्या बोलेंगे? जैसे जो मैं बोल रहा हूँ CHF2, उनका कोई जैसे मतलब वो सब तो क्लोरो या फ्लोरो डेरिवेटिव ऑफ मीथेन हम लोग बोल सकते हैं. जैसे क्लोरोफॉर्म है ना, CHCl3 जैसा, है ना? यस सर. या जैसा CH2F2 अपना ये होता है जो टेफ्लोन का होता है, टेट्राफ्लोरोइथेन, है ना? टेफ्लोन का मोनोमर होता है वो, है ना? जैसा कैन यू सजेस्ट मी, अगर मेरे पास कंपाउंड ये होता, लेट्स से फ्रियोन 112, क्या होता है कंपाउंड? कितने कार्बन होते इसमें? टू. अच्छा हाइड्रोजन कितने होते इसमें? जीरो. फ्लोरीन कितने होते हैं इसमें? तो आप चलो जल्दी से क्लोरीन कितने होंगे ये बताओ. टू, क्योंकि मतलब उसका नहीं टू नहीं, टू नहीं, सिक्स. नहीं बेटा फोर होने चाहिए. सिक्स तो सब मिला के होता ना, फ्लोरीन एज वेल एज क्लोरीन. अच्छा हाँ सॉरी मैं उसको माइंड. हाँ ठीक है भाई. C2H6 होता था ना वो. यस सर. मीन्स सिक्स हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन एंड क्लोरीन आया है. सिक्स हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन एंड क्लोरीन आया होगा ना. हाँ सर. सर इसी चीज में एक और डाउट था कि क्या जैसे अगर आपने बोला कि जो जेड है, हाँ सॉरी, जब जीरो आता है तब उसको लिखने की जरूरत नहीं है. जैसे अगर फ्रियोन 11 लिखा है तो उसका मतलब फ्रियोन 011 होगा. बट ऐसे फ्रियोन 110 लिखना होगा कि वो भी फ्रियोन 11? नहीं नहीं वो 110 लिखा होगा तो वैसे पता कैसे चलेगा उसको, है ना? अच्छा वो लिखा होगा ना. हाँ तो भाई 11 और 110 में डिफरेंस है बेटा. सर मतलब अगर टू डिजिट नंबर होगा तो मतलब स्टार्टिंग वाला डिजिट 0 है. हाँ मतलब कार्बन 1 है बेसिकली, ऐसा बोल. हाँ सर. जैसा सपोज अगर मुझे यहाँ तुम लोगों को लिखना होता एक और कंपाउंड का एग्जांपल समझ लेते हैं. इफ इट इज फ्रियोन 12, अगर ये फ्रियोन 12 होता, क्या होता है इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर? कितने कार्बन? CF2Cl2. Yes. समझ लिया मोर ऑफ लेस क्या है ये फ्रियोन्स? यस सर. यस सर. हम लोग एक और लेक्चर ले लेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें पॉलीमर्स पढ़ लेंगे थोड़ा सा और फिर पूरा बुकलेट डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है? अभी जो लास्ट क्लास में क्वेश्चंस दिए थे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में पूरा का पूरा बुकलेट डिस्कस कर लेंगे हम लोग. पूरा होमवर्क करने के लिए मिल जाएगा आज. और पॉलीमर्स थोड़ा सा बचा है उसको भी पढ़ ही लेंगे हम लोग, है ना?
एटलीस्ट कुछ पॉलीमर तुम लोग को पता होने चाहिए. नाइलोन 6-6 का मीनिंग क्या है, नाइलोन 6-10 का मतलब क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ना. व्हाट इज द मोनोमर ऑफ नाइलोन 6-6, किसी बच्चे को पता है नाइलोन 6-6 का मोनोमर क्या होता है? पता नहीं सर. नाम सुने हुए हैं ऐसे कि नहीं, पॉलिस्टर नाइलोन 6-6 वो सुना हुआ है, बट उसमें मतलब उसके इतना नॉलेज नहीं डीप में, बट सुना हुआ है और थोड़ा बहुत पता भी है कि क्या होता है. नाइलोन न्यूयॉर्क लंदन ऐसा कुछ सुना है? यस सर, कि एनवाई फॉर न्यूयॉर्क और या दैट. अच्छा ठीक, चलो ना. यस ना, फ्रियोन 12 फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना. फ्रियोन्स 12 का मतलब है कि ये फ्रियोन्स 012 है. फ्रियोन्स 12 का मतलब है कि ये फ्रियोन्स 012 है ना. 012 मींस x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 1 है और z का वैल्यू 2 है. ठीक है. बच्चे बोलो सर. डीपीपी डीपीपी इस वीक से पक्का पक्का मिल जाएगा तुझे, पक्का है ना. जो अभी तक चैप्टर्स हो गए हैं बेटा, सारे सब्जेक्ट में जो चैप्टर्स हो गए, तुमने सबका नाम पता है कि नहीं पता है? यस सर, पता है. तो कौन अच्छा बच्चा मुझे भेज सकता है नाम? मैं भेज देता हूँ. अच्छा, मैं तुम भेज दूंगी. तो जो जो चैप्टर्स हो गए मैं सबका डीपीपी एक साथ ही भेज दूंगा, ठीक है? तो फिर आगे आने वाले चैप्टर्स का तो मिलता ही रहेगा ऐसे करके, है ना? बोलो सर, आप ग्रुप पर सेंड करने वाले हो? हाँ, मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा बेटा. चलो, ये बुकलेट में भी एक्सरसाइज दिया है, तुम लोग वाले एक्सरसाइज भी कर सकते थे. किसी बच्चे को डाउट्स था ना मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस दिए थे लास्ट क्लास में? हाँ सर. यस बेटा, एक्सरसाइज 3 दिया था, 4 दिया था करने के लिए? सर दोनों का थोड़ा थोड़ा. चलो, एक्सरसाइज 3 में कौन सा डाउट है? सर 3 में नहीं है. अच्छा, सेक्शन बी में? सर एक्सरसाइज 3 के सेक्शन बी में नहीं है सर, एक्सरसाइज सी के मैच द फॉलोइंग में डाउट है सर, लास्ट डी. एक्सरसाइज सी के मैच द कॉलम में डाउट है तुम्हें, सेक्शन डी में ना? हाँ सर, सेक्शन डी. ये जो एल्केन एल्कीन एल्काइन अल्कोहल और उनके जनरल फार्मूला लिखा हुआ है वो? हाँ सर. एल्केन के लिए तो फार्मूला हो जाना चाहिए भी CnH2n+2, तो ए का आंसर तो एस हो जाना चाहिए सिंपल सा. हाँ. बी का आंसर पी हो जाना चाहिए और सी का आंसर क्यू हो जाना चाहिए. यस सर. पर डी का क्या होगा उसमें? डी का आंसर आर हो जाना चाहिए बेटा, है ना? सर कैसे? मैं समझाता हूँ ना. जैसे कोई भी अल्कोहल क्या है कि भाई CnH2n+2 जो होता था, इसका अगर एक हाइड्रोजन मैं OH से रिप्लेस कर दूं तो वो अल्कोहल बन जाएगा. तो ये क्या हो जाता? CnH2n+1 ही बचा और साथ में एक OH और आ गया, है ना? हाँ. समझ लेगा अभी? हाँ सर, समझ गया. बढ़िया. सेक्शन 3 इस एक्सरसाइज 3 के अलावा सर 3 में और कुछ नहीं सर, 4 में. अच्छा, एक्सरसाइज 4 में कौन सा डाउट है? सर एक्सरसाइज 4 में क्वेश्चन 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अरेंज इन ए लीनियर. यार ये थोड़ा सा तुम लोगों को बॉन्डिंग इसका आना चाहिए था, फिर भी मैं बताता हूँ, है ना? अच्छा, यहाँ हाइड्रोजन है, ये ना ऐसा होता, ये स्ट्रक्चर मेरी समझ में आता जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तुम लोगों को? यस सर, ये मतलब जो पीछे है. यस, मतलब कुछ आगे है कुछ पीछे है ऐसा. फिर इट इज कनेक्टेड विद दिस कार्बन एटम, ये कनेक्टेड विद दिस कार्बन एटम, कनेक्टेड विद लेट्स से हाइड्रोजन एटम, यहाँ ये डबल बॉन्ड है और यहाँ ये एच है और यहाँ ये एच है. तो ये धीरे धीरे समझ में आएगा तुम लोगों को, ना? धीरे धीरे मीन्स
पहला वाला कार्बन टेट्राहीड्रल है, दूसरा वाला कार्बन लीनियर होता है, तीसरा वाला कार्बन लीनियर होता है, नेक्स्ट वाले का अराउंड ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होता है, उसके बाद ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होता है। तो क्लास 11th में भी सीख था, बट एज पर क्वेश्चन का मीनिंग इज कंसर्न, ड्यूथिया फोर कार्बन एटम एक ही लाइन में है? हाँ सर। तो उसका आंसर फोर हो जाएगा, है ना? अभी के लिए बुक में ना ये स्ट्रक्चर तो ड्रॉ कर लेना चाहिए, है ना? हाँ सर। यस, टू के बाद फोर ग्लेशियल एसिडिक एसिड इज नियरली 100% एसिडिक एसिड, तो क्या है 5-8% सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड, ये तो गलत है। मिक्सचर ऑफ एसिडिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल, फ्रोजन एसिडिक एसिड, या ग्लेशियल एसिडिक एसिड इज नियरली प्योर एसिडिक एसिड होता है यार टेक्निकली, क्या दिया है उसका आंसर? ए दिया है कि सी डी दिया है? सर ए दिया है, फ्रोजन एसिडिक एसिड। हां तो वही होता है बेटा, नियरली 100% एसिडिक एसिड होता है वो, है ना? हां सर, प्योर एसिडिक एसिड है सर। और सर फिर 16, मतलब ये नाम ऐसे भी याद कर सकता है, ग्लेशियल ग्लेशियर से आया है ना? हाँ सर। कौन सा बेटा 15? 16। ये तो जनरल फार्मूला है नहीं सर, पर उसमें रेडिकल क्या है वो नहीं समझ। अच्छा, रेडिकल का मतलब ये है कि जैसा CH3 को मैं बोल सकता हूँ मिथाइल रेडिकल, C2H5 को मैं बोल सकता हूँ इथाइल रेडिकल, तो कैन वी से इनका जनरल फार्मूला हो जाता CnH2n+1। हाँ सर, एक हाइड्रोजन रिमूव करते इसलिए ना। हाँ, एक हाइड्रोजन रिमूव करने से हम लोग उसको मिथाइल रेडिकल, इथाइल रेडिकल ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, हाँ सर। और कौन सा डाउट है? नहीं, बाकी हो गया सर। अच्छा, एक तो अब थोड़ा याद रखना, अब तुम लोगों को ये पूरा एक्सरसाइज करना है ना, पूरा एक्सरसाइज 3, पूरा एक्सरसाइज 4 कर लोगे? सर यस बेटा बोलो। सर 12th वाला क्वेश्चन, 12th किसका बेटा? ये असाइनमेंट 4 का ना, एक्सरसाइज 4 का ना सर, वो टी ब्यूटाइल अल्कोहल। अच्छा, टी का मतलब बेटा टर्ट ब्यूटाइल होता है, है ना? टी मीन्स वो टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल मीन्स उसमें टर्शरी कार्बन होना चाहिए, है ना? स्ट्रक्चर है बेटा उसका टी ब्यूटाइल अल्कोहल का। वैसे एन का क्या मतलब हुआ? एन मीन्स नॉर्मल, नॉर्मल मीन्स लीनियर चेन, मतलब उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है ना। तो फिर एनटी और फिर आवा भी कुछ होता है कि जैसे मतलब? हाँ होता है, मतलब जैसे आइसो होता है, डाई होता है, ट्राई होता है, बहुत सारी चीजें हैं। अभी नेमिंग खत्म नहीं हुआ है तुम लोगों का, नेमिंग बस एक इंट्रोडक्शन बताया है तुम लोगों को, है ना? भाई क्लास 11 से पूरा एक चैप्टर ही होता है आईओपीएसी नेमिंग, है ना? हाँ सर। सर मैंने भी आपको दो व्हाट्सएप पे डाउट भेजे थे, एक तो नेमिंग वाला और एक दूसरा एक ये है कि मतलब CH4 में कौन सा टाइप का कार्बन होता है, जैसे 1 degree, 2 degree, 3 degree या कौन सा? CH4 में ना तो 1 degree है, ना ही 2 degree है, ना ही 3 degree है, और ना ही क्वार्टनरी है ना? सर वो तो मैं समझ गया, बट सर कौन सा है वही तो डाउट है। नहीं तो उसको ऐसा कुछ बोलने की जरूरत कहाँ है ना, अगर डायरेक्टली किसी कार्बन से कनेक्टेड होगा तो ही तो हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टनरी डिफाइन करेंगे। तो मतलब ऐसे इनके अलावा भी कोई टाइप के होते हैं क्या, जैसे मतलब जो कार्बन और डिपेंडिंग ऑन कौन से कार्बन से कनेक्टेड है तो हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी डिफाइन कर पा रहे थे। यस सर वो मैं समझ गया। तो मतलब जो कार्बन के कनेक्शन के अलावा भी कोई टाइप का क्लासिफिकेशन होता है कि बस यही? नहीं नहीं नहीं, कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता उसके अलावा। ओके सर। तो सर एक नेमिंग का भेजा है मतलब व्हाट्सएप पे, एक मैं देख रहा था नेमिंग में तुमने एक भेजा है मुझे। Yes, तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ सब बच्चों के लिए। ये कंपाउंड तूने भेजा है CH ट्रिपल बॉन्ड C, ये CH2 है, और क्या है यहाँ CH2Cl है क्या है?
Cl है सर. Cl है तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, 1, 2, 3, 4 तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 4-chloro, है ना, 4-chloro-but and 1-ine, या 1 नहीं भी लिखते तो चलेगा, है ना सर. बट इसमें जैसे जैसे बॉन्ड्स को भी फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करते हैं तो फिर जब यस बॉन्ड्स फंक्शनल ग्रुप होता है, और हम बाद में ये भी समझेंगे कि जो सफिक्स बनने वाला होता है उसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है हमेशा. जैसे क्लोरीन यहाँ हमेशा प्रीफिक्स बनेगा और पाई बॉन्ड सफिक्स बनेगा, तो सफिक्स को ज्यादा प्रायोरिटी होता है. तो काउंटिंग हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं जहाँ सफिक्स पे कम नंबर आता है. अच्छा ओके सर. सर क्योंकि मैंने ऐसे देखा कि अच्छा ये भी फंक्शनल ग्रुप है ये भी, तो अगर ऐसे किया तो ये 1+4 तो 5 हो गया, फिर जब उल्टे साइड से किया तब वो 3+1 आ रहा था. तो नहीं, 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 वो हम लोगों ने सिर्फ अभी तक 3 ही रूल लिखे हैं ना नेमिंग के, है ना. यस सर. 11th क्लास में हम लोग 10 से ज्यादा रूल लिखेंगे उसके, है ना. ओके सर, इसलिए मैंने सोचा कि ये 4, तो फिर मैं कंफ्यूज हो गया. तो यही आंसर है बेटा उसका, 4-chloro-butyne, है ना. ओके सर. किसी और बच्चे, अच्छे बच्चे को डाउट है? चलो अभी ये पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करना है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पूरा बुकलेट डिस्कस करेंगे. एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4 कंपलसरी है ना. ओके सर. सर एक और चीज, आज आप आज के लेक्चर का रिकॉर्डिंग भेज सकते, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से नोट्स तैयार किए नहीं आज के लेक्चर में. नहीं नहीं मिल जाएगा ना, आज शाम तक मिल जाएगा बेटा ना. पहले 3 का तो मिल गया होगा कि नहीं? यस सर, पहले 3 का है आगे साइट पे ही है. हाँ, ये 4th का शाम तक YouTube पे अपलोड हो जाएगा ऐसे करके. सर एक लास्ट डाउट, ये थोड़ा अजीब सा है बट मैं स्टिल पूछ रहा हूं कि जैसे ये, जैसे अगर 1 पे क्लोरो अटैच्ड है कोई भी हाइड्रोकार्बन है तो उसको 1 लिखने की जरूरत नहीं है ना? उसको 1 लिखने की जरूरत नहीं होती. जैसा अगर सपोज मेरे पास ये कंपाउंड हो CH2 CH2 CH3 और यहाँ Cl, तो इसको 1-chloro-propane लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिंपली क्लोरोप्रोपेन बोल सकता है उसको. ओके सर. और सर वैसे ही मतलब जो डबल ट्रिपल बॉन्ड में भी होता है कि आयन आया 1 आयन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती. हाँ 2 पे होगा तो मेंशन करने की जरूरत पड़ेगी. हाँ, सर वो तो वो पता है. सर फिर एक लास्ट चीज की, जैसे जो आपने जो मैंने आपको जो अभी बनाया था जो CH ट्रिपल बॉन्ड C, तो इसका कंक्लूजन ये लिख सकते हैं कि ट्रिपल और डबल बॉन्ड हैव मोर प्रेफरेंस देन अदर फंक्शनल ग्रुप. नहीं नहीं नहीं, वो फंक्शनल ग्रुप जो प्रीफिक्स बनने वाला है, जैसा क्लोरो से ज्यादा प्रायोरिटी है उसका, उसका नाइट्रो से ज्यादा प्रायोरिटी है, बट जो सफिक्स बनने वाले होते हैं, जो अल्कोहल होते हैं, जो एल्डिहाइड होते हैं, उनका प्रायोरिटी ज्यादा होता है मल्टीपल बॉन्ड से, है ना. ओके सर. सर तो मतलब ऐसा फिर मतलब है ना रूल आगे भी है. अभी के लिए बस वो समझ बेटा, क्लोरोइथेन फ्लोरोइथेन इस टाइप का, है ना. उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें भी नहीं आएगा, एनटीएससी में भी नहीं आएगा. ओके सर. सर बट मैं ऐसी नॉलेज के लिए कर रहा था. हां तो मतलब ये समझ ले कि जो जो फंक्शनल ग्रुप सफिक्स बनने वाला होता है उसका प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड से ज्यादा है, और मल्टीपल बॉन्ड का प्रायोरिटी उस फंक्शनल ग्रुप से ज्यादा है जो प्रीफिक्स बनने वाला होता है. ओके सर. तो मतलब सफिक्स का प्रायोरिटी प्रीफिक्स से ज्यादा है, बट सिर्फ बॉन्ड और क्लोरीन के केस में सफिक्स का प्रायोरिटी प्रीफिक्स से ज्यादा होता है. यस यस. ठीक है. ओके सर. चलो मैं मीटिंग एंड करता हूं अभी. यस सब कर सकते हैं, मैं भी लीव कर रहा हूं. यस बाय 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 सर. थैंक यू सर.